ऑल आर गुड एंड हैविंग एन अमेजिंग डे। दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। प्लस आप सबको मेरी तरफ से ईद का तीसरा दिन बहुत 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 मुबारक हो। सबसे पहले बात तो ये कि आप लोग कहेंगे कि भैया आप दो दिन से फुल रेडी होके आ रही थी, आज आप मतलब तो मैं आपको बताती चलूँ कि ईद जो है बेसिकली वो मेरी दूसरे दिन पे मैक्सिमम ख़त्म हो जाती है। तीसरे दिन पे आई डोंट लाइक फील लाइक गेटिंग रेडी एंड क्लिकिंग पिक्चर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरी तो ईद दूसरे दिन तक ख़त्म हो जाती है। तीसरे दिन को मैं बड़ा नॉर्मल सा कंसिडर करती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख होता है, वो ये है कि यार ईद ख़त्म हो जाती है। मतलब इस ये जो फेस्टिवल है ना, ये जो हमारे एक रिलीजियस एस्पेक्ट है, इसका मुझे पूरा साल वेट होता है कि कब ईद आएगी, कब मैं मज़े करूंगी, कब पिक्चर्स खिंचवाऊंगी, कब कपड़े क्योंकि जब लड़कियां होती हैं वे ऑब्वियसली दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ कीन टू गेट रेडी एंड क्लिक पिक्चर्स। और जब उनकी पिक्चर अच्छी नहीं आती तो वो कहती हैं ये क्या, ये हमारी ईद ही नहीं हुई। तो मतलब उनके लिए यही होता है कि उनकी पिक्चर्स अच्छी आ जाएँ। खैर, रैपिंग दिस अप, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब ईद ख़त्म हो गई है सिंस, तो वी शुड ऑल गेट बैक टू आवर वर्क। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी जाते हैं वो यूनिवर्सिटी जाएं, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं जाके अपने पेपर्स की तैयारी करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स सर पर हैं सबके। और पढ़ाई में दिल लगाओ भाई, क्योंकि अब जो है वो काम काम और सिर्फ काम होगा सबकी लाइफ में। खैर, मैं आप लोगों से आज की वीडियो में वी आर गोना बी डिस्कसिंग अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, हम आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम चैप्टर्स दे दिए हैं, और साथ ही साथ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईदी कितनी जमा हुई है। ठीक है, मेरी ईदी तो इतनी ज़्यादा जमा नहीं हुई, ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में क्या आ रहा है। भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आए दिन वायरल हो रही होती है। कभी कोई प्लेयर कुछ कह रहा है, कभी कोई प्लेयर कुछ कह रहा है। लेकिन आज जो है इमामुल हक से जब सवाल किया गया सरफराज अहमद की कप्तानी के बारे में कि बताइए कि सरफराज अहमद जो है वो आपको ऐसे कप्तान कैसे लगते हैं, क्योंकि आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि सरफराज अहमद जो है ना ऑन फील्ड थोड़े से गुस्से वाले हो जाते, थोड़े से भड़कीले हो जाते हैं। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है वो सवाल उनसे पूछा, तो उस सवाल के जवाब में जो है वो इमामुल हक ने कहा कि ऑन फील्ड बेशक सरफराज अहमद जो है वो भड़कीले हो जाते हों, डांट देते हों, लेकिन ऑफ द फील्ड ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर। ठीक है, जो अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगता है, अपनी गलतियों पे अपोलोजाइज भी करता है, और अपनी गलतियों पे गिल्ट भी फील करता है। ठीक है, और वो बेसिकली गलतियां नहीं होती, वो एक टीम इम्प्रूवमेंट के लिए एक फैक्टर होता है जो कि हर कप्तान को पूरा करना होता है। ठीक है, बीइंग अ कैप्टन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से अपने प्लेयर्स को जेल करके रखते हो, और उनको उसी टाइम पीरियड में आप उनसे किस तरह से अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवाते हो। तो उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद T20 के बहुत अच्छे कप्तान हैं, स्पेशली क्योंकि गली मोहल्ले ही इज़ लाइक ए स्ट्रीट प्लेयर। मतलब जो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, कप्तानी करते हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ों का। तो उन्होंने उनको उस चीज़ से मुशावरत दी और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा जो है वो सरफराज अहमद कप्तान है। अब यहाँ पे वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, किसको मतलब कह रहे थे कि वो अच्छा कप्तान है, सरफराज अच्छा कप्तान है, ये तो वही लोग सोच सकते हैं जो कि ज़्यादा चीज़ों में डिग इन करते हों। हम तो जो है सीधी सीधी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं और आप लोगों के सामने रख देते हैं। उसके अलावा जो है फ़ख्र जमान से जब पूछा गया कि हाउ डू यू फील लाइक बैटिंग विद बाबर आजम, तो उस पर फ़ख्र जमान ने कहा कि अभी तक उन्होंने टेस्ट में भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है, ODI में भी की है, और T20 में भी की है, और उन्होंने ओपनिंग की है 11 से 12 प्लेयर्स के साथ, उन्होंने ओपनिंग की है, बैटिंग भी की है, और हर तरह के जो है उन्होंने पार्टनर्स के साथ बैटिंग की है। बट जो उनकी बाबर आजम के साथ जब भी वो उनको चांस मिलता है टू बैट अलॉन्ग विद बाबर आजम, तो वो उसको सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल भी उन्हीं के साथ होते हैं, और सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं रन्स भी उन्हीं के साथ उनके बल्ले से निकलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम एज ए बैटिंग पार्टनर इज़ वेरी गुड। ठीक है, और ये सिर्फ फ़ख्र जमान नहीं कह रहे, ये बहुत सारे यंग इमर्जिंग प्लेयर्स भी कहते हैं कि जब भी वो बाबर के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनको बड़ा एक कंफर्ट लेवल उनका अलग ही होता है, और ख़ुद ब खुद अच्छी परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत रिलैक्स करके रखते हैं अपने पार्टनर को। तो यहाँ पे यू नीड टू एक्सेप्ट इट के बाबर आजम कप्तान भी अच्छा,
प्लेयर भी अच्छा है, ठीक है जी। उसके बारे में अगर हम बात करें अगली, तो आपने देखा होगा कि आज हसन अली जो है वो हेड ऑफ कर चुके हैं यूके यूनाइटेड किंगडम के लिए, क्योंकि जो है उमरकोट वाला यूके नहीं, ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम वाला, ठीक है, उसके लिए वो हेड ऑफ कर चुके हैं और गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग वॉरविकशायर इन काउंटी चैंपियनशिप। और काउंटी चैंपियनशिप से जो है मुझे याद आया कि शान मसूद की जो टीम है यॉर्कशायर, उसका आज मैच था ग्लौस्टरशायर के साथ। यहाँ पे यॉर्कशायर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, उनकी कोई 90 पे 5 विकेट्स गिर चुकी थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर आते हैं शान मसूद और वो एक ब्लिस्टरिंग 100 स्कोर करते हैं, ना सिर्फ ये बल्कि अभी भी वो नॉट आउट जा रहे हैं, और अगर इसी तरह से वो बैटिंग करते रहे तो ही अपनी टीम को उन्होंने उस कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन से तो निकाल दिया। बट अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो टीम है वो बिल्कुल ही टेक लगा के बैठ जाए इस तरह से कि भाई हम सेफ जोन में हैं, ठीक है, हम अपनी यूटोपिया में रह रहे हैं, तो फिर उसके लिए उनको अपनी नॉट आउट इनिंग्स जारी रखनी होगी कल तक। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैच बड़ा इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपना 26 फर्स्ट क्लास 100 भी स्कोर कर लिया, ठीक है भाई। शान मसूद काउंटी चैंपियनशिप में बिल्कुल ही अलग नजर आते हैं। आई डोंट नो उनको क्या हो जाता है जब वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बट काउंटी चैंपियनशिप में ही इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट ब्रीड। यहाँ पे अगर हम दूसरे फैक्टर के बारे में बात करें तो दैट इज के पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट को बहुत बड़ा झटका मिला है। वो ये है कि फिन एलन और एडम मिल दोनों जो हैं दे बोथ हैव बीन रूल्ड आउट ऑफ द न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज। एक को बैक इंजरी हो गई है, एक को एंकल इंजरी हो गई है, और पहले टीम सी थी और मैं बड़ी जो है जैसे कहते हैं कि खुश हुई थी कि चलो कोई तो ऐसे दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट किया है और जिनका अच्छा खासा नाम है, कॉम्पिटिशन नजर आएगा, और वो दो ही प्लेयर्स आउट होकर चले गए, मतलब इन ऑब्वियसली ड्यू टू इंजरी पर्पजेज। बट अगैन यार क्या ही मजा रह जाएगा पीछे फिर सीरीज में कि हमारी फुल ए टीम खेल रही है और उनकी तरफ से देखो क्लब लेवल प्लेयर्स, बिल्कुल क्लब लेवल। उसके अलावा अगर आप बात करो तो यहाँ पे तो होती है पाकिस्तान क्रिकेट को हम समअप करते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि आलिया रियाज, ठीक है, हु इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन क्रिकेटर्स फॉर पाकिस्तान, उनकी आज शादी हो गई है, ठीक है, आपने देखा होगा पिक्चर्स भी आई और बड़े 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 क्रिकेटर्स ने सेलेक्टर्स ने उनकी जो है शादी अटेंड की, एक ग्रुप फोटो भी आई है, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। आप लोग हैं डू टेल मी इन द कमेंट्स लोग कॉन्ग्रेचुलेशन टू आलिया रियाज, ठीक है, फॉर गेटिंग मैरिड, एंड बड़े मुबारक दिन पे उन्होंने शादी की, एक के तीसरे दिन पे, विच इज़ ब्यूटिफुल। अब बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मैच के बारे में जो कि हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स शुक्र है वो मैच जीत गए, बट यहाँ पे लखनऊ को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या ने ब्लंडर कर दिया कि अपने ही घर में मैच हार गए। लखनऊ सुपर जायंट्स बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 168 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, ठीक है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स ने ये टारगेट चेस किया 170 करके फॉर द लॉस ऑफ ओनली 4 विकेट्स विद 11 बॉल्स लेफ्ट एट अ साइड। यानी कि यार कमाल धमाकेदार, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जो आज के मैच में जो पिच थी, जो ट्रैक था, वो था 180 से 190 रन तक का। अब अगर ऐसे ही ट्रैक पे आप 160 रन स्कोर करते हो, मतलब 180-90 वाले ट्रैक पे अगर आप जो है 160 रन बना रहे हो तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगली टीम भी खेलने ही आई है, चेस करने आई है, उसके अलावा आप देखो कि आप बॉलिंग को कितना अंडर कॉन्फिडेंट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे अगर आप देखो LSG लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटिंग कार्ड पे तो डीकॉक बिल्कुल नहीं चले, 19 ऑफ 13, KL राहुल ने अच्छा कैमियो प्रोवाइड किया, 39 ऑफ 22 बॉल्स, बहुत ज़्यादा ही तेज़ खेल गए। स्टेनिस ने कुछ नहीं किया, पूरन ने कुछ नहीं किया, अगर पूरन कुछ कर लेते तो थिंग्स कुड हैव चेंज फॉर LSG टुडे। बैंडनी ने 55 और 35 का जबरदस्त कैमियो प्रोवाइड किया जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब यहाँ पे अगर डीकॉक चल जाता तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो अकेला ही अपनी टीम को मैच जितवा देता है, बिकॉज वो रन मशीन है, वो यूं चुटकियों में रन स्कोर करता है, दैट टू ऑन अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ बॉल्स। बट अगेन डीकॉक चले, बैटिंग कार्ड फेल हुआ जिसकी वजह से इतना टारगेट भी सेट हो गया, बड़ी बात है। बट बॉलर्स में आप देखो तो दिल्ली कैपिटल्स के पास ऐसे कौन से बॉलर्स थे जिन्होंने अपनी टीम के लिए टेबल टर्न किया,
कुलदीप यादव, व्हाट एन अमेजिंग बॉलिंग बाय हिम। 3 विकेट्स उसने अकेले चटका ली और सिर्फ 5 की इकोनॉमी रेट से जो है उसने रन्स लीक किए। यहाँ पे अक्षर पटेल की तरफ से भी अच्छी बहुत बॉलिंग हुई, बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे थे दोनों स्पिनर्स आज। और खलील अहमद ने भी जो है वो 2 विकेट्स हासिल की। यहाँ पे अगर आप देखो दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग कार्ड को, तो पृथ्वी शॉ ने जो है वो 32 ऑफ 22 स्कोर किया, डेविड वार्नर ने 8 ऑफ 9 फेल हुए, ठीक है, फ्रॉस्टर मैकगर्क ने 55 ऑफ 35 बॉल्स स्कोर किया, ऋषभ पंत जो है आज वो 41 ऑफ 24 बॉल्स का कैमियो उन्होंने प्रोवाइड किया। वेरी कंसिस्टेंट विद हिज फॉर्म सिंस द स्टार्ट ऑफ IPL, आई मीन व्हाट ए प्लेयर। और ये आपको शो करता है कि एज अ बैट्समैन ही इज गोइंग टू बी एक्चुअली वेरी वेरी रिलायबल फॉर इंडिया इन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2024, क्योंकि उसमें आपको इसी तरह के कंसिस्टेंट बैटर्स की जरूरत है। बेशक उनकी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, बट एज अ बैटर अगर देखा जाए ऋषभ पंत को, तो हर मैच में ऑलमोस्ट उनकी 50 के करीब करीब स्कोर होता है, और वो भी कैमियो सारे, मतलब कम नंबर ऑफ बॉल्स पे, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव, ठीक है, और एक खुशायन बात है इंडियन फैंस के लिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पोजीशन होने वाली है? मेरे ख्याल से तो RCB से भी ऊपर होगी दिल्ली कैपिटल्स, जिस तरह का उनका RCB का जितनी बुरी फॉर्म चल रही है। खैर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या मजीद नई वीडियोस देखना चाहते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अ फुल स्टेटिस्टिक्स वीडियो। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी टीम किस टीम से ऊपर है, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हो, वनडे इंटरनेशनल्स की रैंकिंग हो, या T20 इंटरनेशनल्स की। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, और अगर चाहते हैं कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना लाजमी याद रखिएगा। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for Humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.